हेलो एंड वेलकम टू माय किचन माय डिश। दोस्तों, अब सर्दियों का मौसम है और बहुत अच्छी मटर मार्केट में आई हुई है, तो आज हम आपको मटर के और आलू के पराठे बनाना बताने जा रहे हैं। आलू भी नए आए हुए हैं, बहुत अच्छे आलू हैं, और इस सीज़न में आलू मटर के पराठे का आनंद लेने में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने दो बड़े आलू लिए हैं, उन्हें छील के साफ़ करके ऐसे पीसेस में काट लिया है। ये मटर हमने ली है, आधा किलो मटर को हमने लेकर छील कर साफ़ कर लिया है, और इन दोनों चीज़ों को हमने बॉल में डाल दिया। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार। अब इन सारी चीज़ों को हम एक प्रेशर कुकर में डालकर थोड़ा पानी डालकर पका लेंगे। आलू और मटर को गला लेंगे। तीन चार सीटी लगानी है। इसमें डालेंगे आधा पौना ग्लास पानी और इसे बंद करके हम 4 सीटी लगा लेंगे। ये हमने 4 सीटी लगा ली। ठंडा होने के बाद हमने खोला है, इसके अंदर थोड़ा पानी था, उस पानी को हमने सुखा लिया है। अब इस मसाले को हम कुछ और दूसरे मसालों के साथ में भूनेंगे और इसे मैश करेंगे। इसके लिए देखिए, हमने कुछ मसाले काट लिए हैं। पैन को हमने गरम कर लिया। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून। इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच जीरा, खड़ा जीरा। जीरा तड़कने के बाद हम इसके अंदर टमाटर और प्याज डालकर सॉटे करेंगे, तलेंगे उसे। सॉटे करने का मतलब हल्का फ्राई करना। इसे तब तक फ्राई करना है जब तक टमाटर का पानी सूख जाए। जीरा तड़क गया है हमारा। इसके अंदर हमने ऐड किया 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए। इन्हें लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने में इसका पानी सूख जाएगा। ये टमाटर और प्याज अच्छे से सॉटे हो गए और टमाटर का पानी सूख गया है। अब हम इसके अंदर वो बॉईल किए हुए आलू और मटर ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनते हुए मैश भी कर लेंगे। ऐसे मैश करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छी तरीके से मैश करना है ताकि मटर जो है वो भी मैश हो जाए। चाहे तो पाव भाजी बनाने वाले मैशर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ये पूरा हमारा मैश भी हो गया है और ये टमाटर और प्याज के साथ में अच्छी तरीके से मिक्सअप हो गया है। अब हम इसे आटे में भरकर इसके पराठे बना लेंगे। ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया। हमने नमक भी इसमें चख लिया है और नमक वगैरह सब बराबर है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। ये हमने चपाती का आटा गूंधा और उसकी ऐसी लोइयां बना ली हैं। इतनी बड़ी मींस चपाती से थोड़ी बड़ी लोइयां बनाई हैं हमने। अब इसे भरने टाइम बहुत केयरफुली इसकी कटोरी बनानी है। इस लोई की कटोरी ऐसे अपनी उंगलियों और अंगूठे का यूज़ करते हुए इस तरीके से कटोरी बनानी है, क्योंकि अगर मसाला फिलिंग इसके अंदर ठीक से नहीं भरेंगे तो फिर कहीं पर फिलिंग होगी और कहीं पे सिर्फ आटा आ जाएगा, तो वो पराठे खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। अब इन्हें इस तरीके से भरेंगे, मसाले को इसके अंदर इस तरीके से चम्मच से चारों तरफ फैला के भरेंगे, ऐसे दबा के। मसाला बिल्कुल कम भी नहीं भरना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, बराबर से भरना चाहिए। अभी ऐसे चारों तरफ से इकट्ठा करके इसे राउंड कर देंगे। राउंड लोई आ गई और इसके अंदर मसाला पूरा अच्छी तरीके से भर गया है।
तवा हमने गैस पे गरम होने रख दिया है और लोइयां बनाकर फिलिंग भरकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम उसको बेलेंगे। इसे थोड़ा सूखा आटा लगाकर इस तरीके से केयरफुली हाथों से दबाकर थोड़ा फ्लैट करेंगे और फिर इसे धीरे धीरे आराम से बेलेंगे थोड़ा सूखा आटा लगाकर ऐसे। ज़्यादा बेलना नहीं पड़ता है उसको जब फ्लैट कर लेते हैं। तो ये देखिए बेल दिया हमने। देखिए मसाला चारों तरफ बीच से लेके चारों तरफ बिल्कुल इवनली पूरा मसाला भरा है जो कि हल्का हल्का झलक रहा है इसके अंदर। ये देखिए ये देखिए ये अंदर से झलक रहा है। तवा गरम हो गया है, ये हमने तवे पे डाल दिया। एक तरफ से सीकने के बाद इसे पलट देंगे। पलट दिया हमने, अब हम इसे ऑयल डालेंगे। एक साइड ऑयल डाल के पलट दिया, वही दूसरी साइड भी हमने ऑयल डाल के इसे फ्राई करना है। इसे इस तरीके से फ्राई करना है कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अगर ज़रूरत हो तो आँच को स्लो कर दें और स्लो पर फ्राई करें। स्लो पर फ्राई करने से ये बहुत क्रिस्पी होते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। टिफ़िन में ले जाने के लिए, ऑफिस में, कॉलेज में बहुत अच्छे रहते हैं। देखिए इसे ऐसे बेलेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के दोबारा देखिए। देखिए फिलिंग को देखिए, क्या ये चारों तरफ फिलिंग भरी गई है। अब इसे तवे पे डालेंगे। एक साइड सिक जाने के बाद इसे पलट देंगे। नहीं, पलट दिया, दूसरी साइड भी सेक रहे हैं। इतनी देर में हमने तीसरा पराठा भी बेल रहे हैं। ये ऑयल को हमने इसमें डाला, इसे पलट दिया। अभी इस साइड भी ऑयल डालेंगे। केयरफुली फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना चाहिए। ये देखिए हमने सभी पराठे बनाकर फ्राई कर लिए हैं। जो फिलिंग हमने बनाई थी उसमें कम से कम 20-25 पराठे बनेंगे। हमने चार पराठे बनाकर आपको दिखा रहे हैं। इसे दही के साथ, हरी चटनी के साथ, ग्रीन सैलेड के साथ, अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। ऑफिस में पैक करके दे सकते हैं, कॉलेज में, स्कूल में पैक करके दे सकते हैं। आसानी से घर में इसे रात को फिलिंग बनाकर रख कर सुबह इसे नरम आटा गूंद कर उसके अंदर भर कर ये पराठे बनाकर टिफ़िन में दे सकते हैं। तो अपने घर में भी बनाइए, सबको खिलाइए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। हम ये तोड़ के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए फिलिंग देखिए पूरी चारों तरफ अच्छे से आ गई है। ये बहुत टेस्टी पराठे होते हैं, आप बनाकर ट्राई करिए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।